फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं ये क्या चीजें होती हैं बेटे? कोई भी जो बिजनेस होता है ना, बिजनेस होता है तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, जो ये बताती हैं, फाइनेंशियल पोजीशन बताती हैं किसी भी बिजनेस की, कि उसमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ये इसका क्रक्स है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इसका क्रक्स है, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? जो कंपनी की पोजीशन बताती हैं, जो क्या बताती हैं? कंपनी की पोजीशन बताती हैं और बताती हैं कि कंपनी में प्रॉफिट हुआ है या, ये देखो ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बताती हैं, एक तो प्रॉफिटेबिलिटी बताती हैं और एक करंट पोजीशन बताती हैं कंपनी की, कि कंपनी इस वक्त किन हालात में है, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक तो क्या बताती हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बताती हैं और एक क्या बताती हैं, करंट पोजीशन बताती हैं, ठीक है। करंट, अच्छा, इस इन दोनों में क्या फर्क है, प्रॉफिटेबिलिटी में और करंट पोजीशन? प्रॉफिटेबिलिटी तो बेटा होती है ना, एक साल के अंदर क्या खोया क्या पाया, और पोजीशन होती है इस वक्त कंपनी के क्या हालात है, इस वक्त कंपनी के क्या हालात, ठीक है। अच्छा जी, तीन स्टेटमेंट्स हैं जो ज्यादातर यूज होती हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, एक बैलेंस शीट और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तीन स्टेटमेंट्स हैं जो आपके पेपर में आएंगी, यानी जो आपके कोर्स का हिस्सा है वो तीन स्टेटमेंट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलो जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसके दो हिस्से होते हैं, एक हिस्से को वो, अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस बताता क्या है? ये प्रॉफिटेबिलिटी बताता है फॉर स्पेसिफिक पीरियड, देखो ये लिखा हुआ है, ये क्या बताता है, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी या लॉस, दोनों चीजें बताता है। ये क्या बताता है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बताता है और लॉस भी बताता है, फॉर स्पेसिफिक पीरियड के 12 महीनों में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसके अंदर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट सुन लो बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हम किन को लेते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेते हैं, और इसकी वजह से या ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है या ग्रॉस लॉस निकलता है, या ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है या ग्रॉस लॉस निकलता है। ग्रॉस प्रॉफिट, पहले मैंने ट्रेडिंग के बारे में क्या चीज बताई है, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेते हैं, ये आपकी बुक में भी नहीं लिखी हुई माशाल्लाह से, ठीक है। इसमें क्या लेते हैं जी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट वेजेस एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? वो एक्सपेंसेस जिनका किसी चीज की प्रोडक्शन से ताल्लुक होता है, वो एक्सपेंसेस जिनका ताल्लुक किसी भी चीज की प्रोडक्शन से होता है उनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं कि जिनका ताल्लुक चीज की प्रोडक्शन से नहीं होता, जो बात चीज के बनने के बाद होते हैं। मसलन ये मैंने आपको पहले भी बताए थे, मसलन आप लोग सारों के पास मोबाइल है ना, मोबाइल के ऊपर जितना मटेरियल लगा हुआ है, उसके अंदर बाहर जो कुछ लगा हुआ है, वो सारा उसका डायरेक्ट एक्सपेंस है। और जब वो बेटा बन जाता है तो उसके बाद ये देखो ना, कितनी कितने एडवर्टाइजमेंट आती हैं आपको, वीवो की आ रही है, कभी कभी हवावे की आ रही है, कभी ऑनर की आ रही है। तो ये बच्चों सारे क्या है, जो ये सारी एडवर्टाइजमेंट्स है ना, ये सारी एडवर्टाइजमेंट है, ये बाद वाले खर्चे हैं, ये सारे क्या है, बाद वाले खर्चे हैं। और ये क्या होते हैं, जो बाद वाले खर्चे होते हैं ये क्या है जी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये क्या है जी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, समझ गए जी। अच्छा अब बच्चों, ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग से क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस? ट्रेडिंग से क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस? और प्रॉफिट एंड लॉस से क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस? ट्रेडिंग की वजह से क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस? अच्छा, इसमें कौन से एक्सपेंसेस लेते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें कौन से एक्सपेंसेस लेते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन से लेते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी मैंने एक फाइनल अकाउंट खोला हुआ तो था, ठहरो यार, ये देखो, ट्रेडिंग अकाउंट इज अकाउंट विच इज प्रिपेयर टू डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। और ये बच्चों ये देखो, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, विच इज प्रिपेयर टू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ये मैं सारा आप लोगों को भेज देता हूँ, ये वाला जो मैंने खुद लिखा हुआ है ये ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जिनका ताल्लुक चीज की प्रोडक्शन से होता है वो डायरेक्ट, और जो बनने के बाद एक्सपेंसेस होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है बच्चों।
तो ये फिलहाल आपके मतलब की यही चीजें हैं। तो अब जरा आपकी बुक को फॉलो कर लेते हैं। जब हम सेल में से कॉस्ट को माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, और जब कॉस्ट ज्यादा होगी सेल कम होगी तो ग्रॉस लॉस निकलेगा। ठीक है, जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट निकलेगा। ये मेरा लेक्चर बड़े गौर से सुनना, दो तीन दफा सुनना, और इसको बेशक इसके नोट्स बना लेना, हैंडआउट खुद बना लेना। ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट निकलता है, ठीक हो गया। और जब सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करते हैं तो ट्रेडिंग निकलता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, और वो किस अकाउंट में बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। ये जो है ना ऊपर लिखा हुआ बच्चों, ये वाला, ये आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखना, इसका नाम है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, इसका पूरा नाम क्या है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक हो गया। चलो अब आगे चलते हैं, ये सारा बच्चों एक दफा देख लेना। ये वैसे मैं ये जो हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस इस तरह बनाते हैं, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इधर इधर अभी रहने दो, इसको ना करना, इसको मैं अलग से समझाऊंगा। इनकम क्या होती है बेटा, जब आप कोई चीज बेचते हैं या सर्विस देते हैं तो जो पैसे आप कमाते हैं उसको इनकम बोलते हैं, और वो चीज प्रोवाइड करने में जो आपकी एनर्जी आपका पैसा लगता है वो एक्सपेंस कहते हैं। देखो बच्चों, आप लोगों के पास एक मोबाइल है, आप लोगों ने मोबाइल खरीदा, तो वो मोबाइल खरीदने पे जो पैसे लगे वो एक्सपेंस है। आपने मोबाइल 10,000 में खरीद के 12,000 में बेच दिया, तो अब वो जो जितने में बेचा वो आपकी इनकम है, और इन दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है बेटा, प्रॉफिट है। रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट मैंने आपको बहुत डिटेल में बताए थे, मैंने तो कहा था कैश आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट, परचेजेस डेबिट, सेल क्रेडिट, सेल रिटर्न डेबिट, परचेजेस रिटर्न क्रेडिट, बड़ी लंबी, एक्सपेंस डेबिट, इनकम क्रेडिट, ड्राइंग डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। आप लोग भी कहोगे सर सर की टेप चल जाती है, ठीक है, लेकिन बच्चों अब टाइम की शॉर्टेज की वजह से मुझे जल्दी जल्दी टेप चलानी पड़ती है, ठीक है। तो ये वाला भी मैंने आपको बताया था, जब एसेट्स बढ़ते हैं, जब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट, जब कम होते हैं तो क्रेडिट, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट और कम होती है तो क्रेडिट। इनकम कैश को नहीं कहते, इनकम जहां से कैश जनरेट होता है उसको इनकम बोलते हैं, जिसमें से कैश जनरेट होता है उसको इनकम बोलते हैं। मसलन कमीशन रिसीव, कैश डेबिट, कमीशन क्रेडिट, कमीशन इनकम है, कमीशन इनकम है। जिस चीज में से कैश जनरेट होता है उसको इनकम कहते हैं, और जिसके लिए कैश पे करना पड़ता है उसको एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है। इसकी अभी एग्जांपल्स आएंगी हमारे पास बहुत सारी। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है बच्चों, ओपनिंग स्टॉक, उसमें वेजेस को ऐड करो, फ्रेट को ऐड करो और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करो, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है। मैं दोबारा बताता हूँ, ओपनिंग मटेरियल लो, क्या लेना है, ओपनिंग मटेरियल, उसमें जो रॉ मटेरियल परचेज किया है वो ऐड करो, वेजेस को ऐड करो, जो फ्रेट या टैक्स या कैरेज, फ्रेट टैक्स कैरेज, अरे सारे एक ही चीज के नाम है, जो आपने वो पे किया वो ऐड करो, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करो, जो आंसर आएगा उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। फार्मूला प्लीज बाद में लिख लेना, क्या फिर बता देता हूँ। ओपनिंग रॉ मटेरियल में जो परचेज रॉ मटेरियल ऐड करो, वेजेज ऐड करो, फ्रेट ऐड करो, कैरेज और ट्रांसपोर्टेशन ऐड करो, और नीचे एक और चीज लिख लो, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। जिसे फार्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ना समझ आया मुझे बताएं, मैं बना के फिर भेज दूंगा। अच्छा, एडमिन एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो दफ्तर के अंदर खर्चे हो रहे होते हैं, वो सारे जो दफ्तर में सारे खर्चे हो रहे होते हैं बेटा, वो एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं। दफ्तर का बिल, दफ्तर की कुर्सियों का बिल, दफ्तर के अंदर बिजली का बिल, दफ्तर के अंदर पानी का बिल, दफ्तर के अंदर बच्चे और जितने भी चाय का बिल, सारे क्या है, एडमिन एक्सपेंसेस। अच्छा जी, सेलिंग, बच्चों जो लोग बाहर जाते हैं और चीजों को जाके बेचते हैं उन पे जो खर्चे होते हैं वो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। जैसे चीजें हमने एक जगह से उठाई, दूसरी जगह भेजी, तीसरी जगह भेजी, चौथी जगह भेजी, वो सारे क्या है बेटा, सेलिंग है। यानी बेचने पे जो हमारे खर्चा आता है ना, बेचने में क्या खर्चा आता है, जो सेलमैन है उसका किराया, वो चीजें एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी में लेके जा रहा है, उसकी कैरेज। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस याद रखना, जो इंटरेस्ट होता है वो हमारा एक ही फाइनेंशियल एक्सपेंस है,
इंटरेस्ट या बैंक चार्जेस दो लिखे में बेटा, इंटरेस्ट या बैंक चार्जेस। रिसीट्स एंड पेमेंट क्या होती है बेटे? रिसीट्स एंड पेमेंट्स बोलते हैं समराइज्ड कैश बुक को, समराइज्ड कैश बुक को क्या बोलते हैं? रिसीट्स एंड पेमेंट्स। ठीक है बेटा, रिसीट्स एंड पेमेंट से हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस कोई जरूरत नहीं है, कहा करो इनकम एंड एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या फर्क है बेटे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की। इनकम एंड एक्सपेंडिचर किसकी बनाते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की। और जो बच्चों होता है प्रॉफिट एंड लॉस, ये बनाया जाता है प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की। बच्चे देखो, एक स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसके हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और कोई फैक्ट्री है तो उसका क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। जो फैक्ट्री, दोनों बच्चों देखो, प्रॉफिट एंड लॉस से क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस से क्या निकलता है? बोलो ना, ऐसे क्या निकलता है बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस से क्या? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर से बच्चों निकलता है सरप्लस या डेफिसिट। सरप्लस प्रॉफिट को बोलते हैं, डेफिसिट लॉस को बोलते हैं। नाम चेंज हो गए, नाम चेंज हो गए। प्रॉफिट एंड लॉस से क्या बनता है बच्चों? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर से क्या बच्चों निकलता है? सरप्लस या डेफिसिट। क्या निकलता है? सरप्लस या डेफिसिट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया जाता है एनजीओ का, स्कूल्स का, मस्जिद का, चर्च का, ठीक है? तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है कंपनियों का, कंपनियों का, ठीक है बच्चों? ये नेक्स्ट जो आगे जितना सारा, ये देखो, इनकम में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला बताया था, मैं वो लिख के तो आपके ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है बच्चों? को क्वेश्चन हुआ तो फिर मुझसे कर देना। अल्लाह हाफिज़।